का चालू होगा तो आज सेवन क्लास का हम लोग चैप्टर वन क्लास सेवन चैप्टर वन करेंगे। कोशिश करना है कि इसको हम लाइन बाय लाइन कर दें और टॉपिक का नाम होगा इंटीजर्स, यानी होल नंबर नेचुरल नंबर आप सी क्लास में पढ़ चुके, उसका पहले थोड़े से रिकॉल करना पड़ेगा। आप नेचुरल नंबर पढ़ना था सिक्स क्लास में, यहाँ वन टू थ्री फोर नेचुरल नंबर, ये होल नंबर पढ़ना था 0 1 2 3 4। अब लेकिन जो आज पढ़ना है वह इंटीजर्स पढ़ना, यानी निगेटिव भी होगा यह बात क्लियर है। ये इंटीजर्स में हम लोग को ये रिकॉल करना था। आप यहां पर लॉजिक जानना है, ये लॉजिक क्या कहता है? ये जीरो है, यहां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, -1 -2 -3 -4 -5। जैसे हम 2 + 3 करते, ये 2 पहले से है, प्लस का मतलब राइट साइड जाना, यानी 2 से 3 मिनट और चल गए, 1 2 3 यानी 5। लेकिन अगर 2 - 3 होता तो लेफ्ट साइड जाते, यानी कब हम लेफ्ट साइड जाते हैं कब राइट साइड जाते हैं या समझने में कभी भी दिक्कत नहीं। अगर है तो बताएगा। आप प्रश्न ये होता है कि जीरो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी इसको होता है, अब यहां ये थ्री है तो थ्री में हम क्या जोड़ें ताकि जीरो हो जाए? माइनस, यानी थ्री का एडिटिव इनवर्स -3 है, -3 का 3 है, +10 का -10, -10 का +10, 5 का -5, -5 का 5 है, 6 का -6 है, -6 का 6 है, 7 का -7 है, -7 का 7। यह बात भी आप सीखें, यानी इसमें सीखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब किसी सिस्टम को देख करके, पैटर्न को देख करके आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या है। आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, यहाँ 7 है 3, -1 है -5, गौर से देखिए, यहाँ 4 कम है, यहाँ भी 4 कम है, यहाँ भी 4 कम है, यानी अगला 4 कम होगा, अगला 4 कम होगा,
अगला चार कम होगा, यानी सब जगह चार कम ही जाए। यह पैटर्न में चार कम। अगला प्रश्न, यहां -2 है, -4 है, -6 है, -8, यानी -2 है, यहाँ -2 है, -2 है, यानी -10 होगा, -12 होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 है, 10 है, 5 है, 0, 5 कम, 5 कम, 5 कम। ये सब 5 5। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है -11, -8, -5, -2। देखो यहाँ 3 ज्यादा, ये भी 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, अब 3 जोड़ेंगे तो 1, 4, फिर 7, 10। इस पैटर्न को तुम जान चुके। अब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, यहां एक्सरसाइज के लिए इसी पेज को हम कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग द नंबर लाइन सो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में डिफरेंट। यह नंबर लाइन दिया गया है, सबसे ठंडा वाला देश जो है -10, लाहौर, पुल, उसके पास -5 वाला भी है, श्रीनगर। उसके बाद ये 0 है, यहां पर 5 पर शिमला। यहाँ 10 नहीं, 12 पर श्रीनगर। और बेंगलुरु जो है वहां दम फिक्स रहता है 22। बेंगलुरु। अब इसमें तुमसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न सुनो। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क, जहां जहां उसको लिखना। विच ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंट द बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, दिस इज द कोल्डेस्ट प्लेस, दिस इज द कोल्डेस्ट प्लेस। अगला, व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन द, ये और ये के बीच में टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है, घटा के लिखेंगे। कैन यू से टेम्परेचर श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर शिमला, अगर है तो उसमें से उसको घटा। तो हम समझते हैं कि आराम से तुम समझ गया। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवेन फॉर एक आंसर, निगेटिव मार्क्स गिवेन इन करेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर 5 सक्सेसिव नंबर राउंड 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट इज द टोटल एट द एंड। यहाँ पर 25, -5, -10, 15 प्लस 10, तो 25
में से 5 गया तो 20, फिर 10 चला गया तो 10, 15 प्लस 10 यानी 35। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एट श्रीनगर टेम्परेचर -5 मंडे एंड देन द ड्रॉप 2 डिग्री ट्यूजडे, टेम्परेचर श्रीनगर ट्यूजडे, अगर 5 है, 2 और ड्रॉप हो गया तो ये -7 है। वेडनेसडे रोज 4 डिग्री, उसके बाद वेडनेसडे को 4 डिग्री हो गया तो -7 में 4 जुड़ गया तो 3 हो। अगली प्रश्न, ये प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5,000 मीटर एवर द सी लेवल एट द पार्टिकुलर पॉइंट द एग्जैक्टली अबव द 1200 बिलो लेवल। तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, 5,000 ऊपर है और ये 1200 नीचे, यानी डिफरेंस 12 यानी 6,200 मीटर, क्योंकि 5,000 -1200 मीटर, 5,000 +1200 -62। अगला, मोहन डिपॉजिट ₹2,000 इन बैंक अकाउंट, मोहन जो है 2,000 रुपया जमा, किसी कारणवश 1640 का विड्रॉल करें, यानी यह 2,000 में से 1642 घट गया। यानी इतना अकाउंट में। अब नेक्स्ट है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड इज फ्रॉम द पॉइंट ए। देखो, अगर ए पॉइंट है, ऊपर नॉर्थ मानते हैं, साउथ मानते हैं, ईस्ट मानते हैं, वेस्ट। रीता 20 किलोमीटर गई, ए था, बी से मूव 30 किलोमीटर वेस्ट अलोंग द सेम रूट, 30 इधर चलिए। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव इंटीजर्स देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, और पोजीशन ऑफ ऐसे देखो, पोजीशन तो इसका ये आ जाएगा, उसको करने के लिए कम से कम 5 इधर और जाना पड़ेगा, तब होगा, करने आ गया। 7 नंबर तुम्हारे पास क्वेश्चन कह रहा है ना, ये मैजिक स्क्वायर है, यानी इसको देख करके रो कॉलम डायगोनल सेम, सब सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर बनाना भी सिखा देंगे, ये 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। तुम्हारे पास है
अब देखो ये जीरो आ रहा, ये भी जीरो आ रहा, ये भी जीरो आ रहा, इधर से भी जीरो आ रहा है, ये वाला जीरो नहीं आ रहा, ये वाला जीरो नहीं आ रहा, यानी ये गड़बड़ है। यहाँ नौ, ये भी नौ, ये भी नौ, ऐसे भी नौ, ऐसे भी नौ, ऐसे डायगोनली नौ, ये भी नौ, ये है 8 नंबर क्वेश्चन। वेरीफाई करना है ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस, ए बराबर 21 है, बी बराबर 18 है, प्रूफ कर देना है। यहाँ 21 माइनस 21 प्लस 18, 8 1 9, इसी ढंग से नेक्स्ट वाली को कर देना। 9 नंबर में तुम्हें टिक लगा, टिक लगाना है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल देन, पहला -8 -4, यहां बॉक्स -8, पी नंबर -3 7 -19, बॉक्स 15 -8 +-9, ये नंबर 23 -41 +11, यहाँ बॉक्स 23 -41 -11, ये 39 +-24 -15, 30 +-52 -36, ई नंबर -231 79 +51 -399 159 और 81। हमें नहीं लगता है कि ये बॉक्स बनाने में किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। ये -12 इधर, लेकिन इधर आपका -8 +4 -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है, ऐसे से देखो। इसी ढंग से ये प्रश्न भी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, 10 नंबर सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट। ये वाटर टैंक हैज अ स्टेप इन साइड, ये मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल इज द 9th स्टेप, द जंप 3 स्टेप डाउन एंड जंप 2 स्टेप अप, 3 स्टेप फेंकता है तो 2 स्टेप, यानी ये 3 स्टेप, और 9 पहुंचना है तो जब वह पहुंच जाएगा तो नहीं फेंका जाएगा। अगला इसी ढंग से, आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर यू वांट टू बैग फॉर दिस जंप 4 स्टेप और 2 स्टेप, तो एक दिन में 2 स्टेप, दूसरा दिन में 2 स्टेप, 2 स्टेप, फिर नेक्स्ट वाला यानी 4 दिन में 8 स्टेप, अगला दिन 1/4 ही लगेगा, 9 स्टेप पहुंच जाए। जो है इन्हें नंबर स्टेप मूव रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर स्टेप द मूव ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है इसको करना है और उसकी वैल्यू को लाना। तो ये चैप्टर 1.1। देखेंगे
ये अगला प्रॉपर्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो पहला तो क्लोजर प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, तो क्लोजर का मतलब होता है ए प्लस, यानी ए एक इंटीजर्स है, अभी भी इंटीजर्स है, ए प्लस बी भी इंटीजर्स है। लेकिन अगर ए इंटीजर्स है बी इंटीजर्स है तो ए माइनस बी कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर्स। जैसे टू इंटीजर्स है, थ्री इंटीजर्स है, तो फाइव भी क्या हुआ इंटीजर्स। टू इंटीजर्स है, थ्री इंटीजर्स है, तो दो में से तीन माइनस वन भी इंटीजर्स। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अब हम बात करेंगे कॉमुटेटिव का। तो कॉमुटेटिव का हम बात करेंगे, तो कॉमुटेटिव होता है ए स्टिक बी बराबर बी स्टिक ए, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, प्लस के लिए होता है। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यानी आपस में तीनों को कुछ चेंज कर देने से कोई इफेक्ट ना पड़े तो ये एसोसिएटिव कहलाता है। तो एडिशन के केस में एसोसिएटिव होता है, 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 एडिशन के केस में एसोसिएटिव होता है। अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी का। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को कहा जाता है, क्योंकि 8 प्लस 0 जीरो, 0 प्लस 8 भी 8, यानी जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसमें जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो होगा। अब यहां पे ट्राई दिस, पहला क्या रहा कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स द सम ऑफ निगेटिव इंटीजर्स कब, यह बात जानने की जरूरत। दो तो निगेटिव को जोड़ेंगे, जैसे -5 -3 जोड़ेंगे, -8 हो जाएगा। अब जोड़ के क्या आपको जीरो लाने हैं, एक +5 एक -5 जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स, ये -2 -3 दोनों से वो ग्रेटर भी लाना है तो हो जाएगा, ये सोचना है। उसी ढंग से डिफरेंट भी सोचना है, राइट ऑन द पेयर इंटीजर सम लाना है -3, तो ऐसा जोड़े कि -2 हो जाए, -1 और -2, इसको जोड़ दीजिए तो -3। इसी ढंग से -9 -4 -9 प्लस 4 जोड़ेगा। अब एक्सरसाइज की बारी, हम लोग का एक्सरसाइज 1.2। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स वो सम इज -7 -3 -4 माइनस, डिफरेंस -10 का है, तो 2 में से -12 चले। या 2 में से 12 चला गया, घटाएंगे -10 हो गया, सम 0 लाना है, यहाँ 5 यहाँ -5 0, यहाँ 6 -6 0, 7 -7 0, 3 -3 0, 5 -5 नेक्स्ट।
राइट पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स डिफरेंट और निगेटिव इंटीजर्स करके 8 लाना, -3 -11 -3 -11 -3 +11 बराबर राइट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर्स लेके -5 डाल सम कर, यहां पर -9 प्लस बराबर -, ये तो सोच है तुम्हारा, सोच तो तुम कर ही लोगे। अगला, इन ए क्विज टीम ए स्कोर -14 0, पहला स्कोर आया 1, दूसरा 10 0 -1, अब इसका जोड़ेंगे तो -30, इसका भी -30। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये -5 है -8 है -8 प्लस यहाँ -, ये -53 प्लस 0 0 -53 बराबर -17 में हम क्या जोड़े हैं, -17 यहाँ 13 -12 -12 यहाँ एक और 7 हो जाए। अगला है -4 15 प्लस -3 4 प्लस 15 हम समझते हैं कि ये भी बात आपको क्लियर, तो 1.2 हम लोग सीख चुके हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, तो अब मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लीकेशन और पॉजिटिव एंड निगेटिव, यहां पर तुम सोचो मल्टो ऑफ मने होता है का मने मल्टी, यहाँ ये प्लस है ऑफ प्लस माइनस ऑफ प्लस प्लस ऑफ माइनस ऑफ प्लस को कहते हैं दोस्त, माइनस को कहते हैं दोस्त। अब बताओ दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस 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 मल्टीप्लाई, यह बात आपने सीख गया है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव निगेटिव का भी तूने सीख गया। अब दो निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाए प्लस हो जाए, यानी आप इस पर क्वेश्चन है की प्रैक्टिस, ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल को आप देख रहे हैं, ये 15 × -6 तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 15 में 16 से गुना कर दिए, तो 15 × 6 = 90, हम 15 204, ये नंबर क्वेश्चन ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर अगर भी 21 -32 -21 = 42 की 2, हाथ में 4, 21 = 63 क्वेश्चन नंबर सी -42 × -12 -12 × 24 की 4 548 यहाँ डी नंबर -55 × 15 -15 = 75
छत्ता सात तिरासी। क्वेश्चन नंबर टू, चेक वेदर 25 माइनस 21, यहाँ पर -25 इनटू 21 यह बराबर है कॉम्पिटेटिव रूल के अनुसार -23 इनटू 20, 23 इनटू -20, ये भी कॉम्पिटेटिव। यानी यहाँ पर तुम ट्राई कर लिया कि ए क्रॉस माइनस बी या माइनस ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए बी होता है। ये आप दो निगेटिव को ही मल्टीप्लाई करेगा तब क्या होगा, यहाँ पर -3 -2 -3 प्लस 3 गुना, ये भी बात आपने यह मल्टीप्लाई आपने सीख गया है। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। गेम 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 हम लोग को खेलना है, आइए गेम को खेलते हैं। ये बात को कहते हैं कि टेक बोल्ड मार -104 से +104, -104 से +104 का एक बोर्ड मार। हम गिनती लिखते हैं घटते कदम में, कलर को चेंज कर देंगे तो दिखेगा। यहाँ 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, घटते चल जाइए 94, 92, 92, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 77, 79, 68, 67, 66, 65,
चौसठ, 162, 103, आपको यहाँ -104 तक। यह गेम अब आप यहां तक गेम में तो यही लिखा है कि टेक बोर्ड मार्क फ्रॉम -104 to 104, ट्रू एंड फेक। टेक ए बैग कंटेन टू ब्लू एंड टू रेड डाइस, दो को ब्लू डाइस लेना है, दो को रेड डाइस लेना है। अब ब्लू डाइस इंडिकेट पॉजिटिव इंटीजर्स और रेड डाइस निगेटिव इंटीजर्स। ब्लू जो डाइस है वह पॉजिटिव इंडिकेट करता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये निगेटिव में करता है, यानी -1, -2, -3, -4, -5। एवरी पीरियड विल बी प्लेस हिज एंड हर काउंटर एट जीरो। एवरी प्लेयर विल बी टेक आउट टू डाइस एट ए टाइम फ्रॉम द बैग ऑफ आफ्टर एवरी थ्रो द प्लेयर हैज टू मल्टीप्लाई द नंबर मार्क ऑन द डाइस, जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स द इंपीरियर विल बी हिट काउंटर टू बार 104 और प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स द इंपीरियर विल बी काउंटर -104। द प्लेयर यानी रीचेज 104 एंड 104 फर्स्ट, यही तुमको बताना कह रहा था, जो तुमको आराम से आ गया। अब अगला तुम्हारे पास है, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई आ गया, इसकी थिंकिंग आ गया, मल्टीप्लिकेशन। यहां पर ये भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन के केस में प्रॉपर्टी से होता है, यानी ए भी एक क्लोज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉमुटेटिव होता है, ए बराबर बी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में प्रॉपर्टी कॉमुटेटिव, एसोसिएटिव। अगर जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट जीरो, उसी ढंग से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वन से, अगर ए इंटू वन और वन इंटू ए बराबर है, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 बराबर 2, यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहा जाए। आप डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, बात करें यहाँ बी प्लस सी है, इसको ए बी प्लस ए सी, और यहाँ बी माइनस सी है, ए बी माइनस ए सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फ्लो करता है। अब इसके लिए मल्टीप्लीकेशन आप इजी कैसे कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इजी कैसे कर सकते। जैसे -25 × 17 और 37 × 4, अगर 8 2 की मल्टीप्लाई 100 हो गई, और यहाँ पर 37 यानी -37। ये चीज आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ 16 × 12 है, तो 16 का 16 रहने दो, 10 + 2 कर दो, 160, अब 32 जोड़ दिया, 100, यानी काम हमको जोड़ना है, काम घटाना है, यानी 110 के पावर के आजू बाजू। जैसे 12 है तो इसको 10 + 2 लिखेंगे, 8 है तो 10 - 2 लिखेंगे, 98 है तो 100 - 2 लिखेंगे,
और 102 है तो 100 + 2, 97 है तो क्या लिखोगे, 100 + 3, 103 है तो 100 + 3, 96 है तो 100 - 4, 104 है तो यहाँ पर 100 + 3। ये अगर लॉजिक आपका क्लियर है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यहाँ पर हम यूज कर करके क्वेश्चन को इजी ढंग से बना सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद है क्वेश्चन को इजी ढंग से बना, अगर क्वेश्चन इजी ढंग से बनाने आ गया तो आपकी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मकसद हमारे पास यह है कि क्वेश्चन इजी ढंग से कैसे बनाए, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखते चले और क्वेश्चन को इजी ढंग से कैसे बनाते चले, ये हमारे पास मेन मकसद। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का आ जाता है। फाइंड ईच द फॉलोइंग प्रोडक्ट, अपना अपना बुक खोले लेंगे एनसीईआरटी। पहला 3 × -1 - 3, -1 × 225, -21 - 30, एंड 21 + 3 = 630, -3 × 16 = -1 = 316, -25 × 0 =-18 0, -12 × -11 × 100, यहाँ पर 132 अगुने 10 यानी 320, -1 + 9 × -3 - 6, 6 × 3 = 18 162, 18 × -5 × -4 = 20, 18 × 36 -3 = 16, -1 × -2 × -3 -1 दो एक तीन 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 9 × 9 = 36, -1 + यानी 6 × 3 = 18 2 × 36। वेरीफाई करना है। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होता ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए ए यहाँ बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर बी माइनस सी है तो ए बी माइनस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता ही है। फॉर एनी इंटीजर्स ए मल्टीप्लाई -1 - -8, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट -1 -22 में हम क्या से गुणा करें, यानी 1/22 से -1 हो जाएगा, बनाने आ जाएगा। -1 × 5 -1 × -1 + 1, उसी ढंग से आप लिख सकते हैं 5 × -1 - 5। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सुटेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अनुसार इसकी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहां पर -48 कॉमन है तो -48 कॉमन ले लेंगे, 26 और -36, माइनस यहां पर -10 -+480 कर देंगे। अगला है सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर एट बी लोअर फ्रॉम 40 °C एट द रेट 5 °C एवरी आवर। व्हाट इज रूम टेम्परेचर 10 आवर, 55 55 बढ़ रहा है तो हो जाएगा। इन द क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स अवार्डेड एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 जो है इन करेक्ट आंसर 0 कम। 10 क्वेश्चन है, सही करने पर 5 नंबर, गलत करने पर -2, यानी ये बात को जानना तुम्हें जरूरी। अब देखो मोहन है 4 करेक्ट आंसर 6 इनकरेक्ट, 4 वो करेक्ट और 6 - 3 तो 20 - 8 = 12, यानी टोटल पाया 8।
रेशमा आज भाई परे के इंसान, फाइव करेक्ट आंसर, फाइव इन करेक्ट आंसर, यानी 25 या माइनस, यानी 15। ही नो गेट्स टू करेक्ट आंसर, फाइव इन करेक्ट आंसर, सेवन क्वेश्चन अटेंड, यानी 3 × 0 जीरो, यानी 10 × 10 तो 0 आ गया। इसी ढंग से इस सीमेंट कंपनी अर्न टू प्रॉफिट रुपीज 1 पर बैग इज व्हाइट सीमेंट शोर्ड एंड लॉस ऑफ 5 पर बैग एवरी सीमेंट। देखो एक बैग बेचता है सीमेंट तो 8 रुपया पाता, कौन सा बैग? व्हाइट सीमेंट। और ग्रे सीमेंट बेचता है 5 रुपया लॉस। अब कंपनी 3,000 बैग व्हाइट सीमेंट, यानी 3,000 × 8 यानी 24,000, 5,000 बैग, 5 5 25 25,000। अब बताओ 24,000 रुपया वो प्राप्त किया, अब 25,000 गंवा दिया, लॉस हो गया, या 1,000 रुपया का लॉस हुआ। अब ये आप क्रिएटर सुपर 30 चैनल पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग 64। फोर हंड्रेड बैग यानी 5 00, 5 × 20 = 25, यानी है 32,000 कमाने के लिए उसको 4,000 बैग बेचना, क्योंकि एक बैग पर 8 रुपया होता है प्रॉफिट, यानी 4,000 × 8 यानी 32,000 प्रॉफिट ना। तब ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, नॉन स्टॉप चलेगा। हम लोग का 3 वीडियो बन चुका है 1.3। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करेंगे, यानी इंटीजर्स का डिवीजन, डिविजन जैसे ही बात आती है, जैसे 72 / -, बराबर माइनस, यहां पर 50 / -3 माइनस, डिवाइड तो सीख ही रहे हो, यानी a/-b = -a/b, where b not equal 3, यानी 125 / -20 = -120 / 80, यानी -80 / -5 -80 / 5 -64 / -60 यह बात आपको करने आ गया है। आप ट्राई दिस, -36 / -, माइनस माइनस हट गया,
माइनस 2 से एक डिवाइडेड माइनस 3 6 18 माइनस 325 डिवाइडेड माइनस 13 गुना 26। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इंटीजर्स, देखो ए बाई डी भी करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर्स है, पूरा पूरा कटने वाला रहेगा तो आ जाएगा और पूरा पूरा नहीं कटने वाला रहेगा, यह बात तुमको जानना जरूरी था, यह बात क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 कर लेंगे, फिर डिस्कशन हमने क्या किया ये कर लेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड, यहाँ 10 -3। दूसरा क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड -5, यानी इसको -50 डिवाइडेड 5 -10 लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है -36 डिवाइडेड -9, माइनस माइनस हट गया 36/9 कट के 4। डी ऑप्शन लिख सकते हो -49 डिवाइडेड, यहाँ पर 49 -1। ई ऑप्शन लिख सकते हो 13 डिवाइडेड, यहाँ पर -2 + 1 है, यानी 13 डिवाइडेड -1 -30। एफ लिख सकते हो 0 डिवाइडेड -12, 0 होगा। अगली पेज में -31 डिवाइडेड -31 + -1 -31 डिवाइडेड -31। अब एज इस ब्रैकेट का पहले क्रिया -36 डिवाइडेड, यहाँ पर 12 भागा 3, ये ब्रैकेट बंद है पहले, ये -3 डिवाइडेड 3 एज आई -6 आगा 5, यहाँ पर -30 डिवाइडेड -2 ये वाला कर दें हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लागू होता है, ए डिवाइडेड बी प्लस सी है तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बी और प्लस ए डिवाइडेड सी ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के हम बात करें कि 3 6 9 डिवाइडेड, यहाँ पर भी 3 6 9 आ रहा है, यह तभी होगा जब वन। बी नंबर है -75 डिवाइडेड, यहाँ -1 से 75 होगा तभी वन होगा, ये लॉजिकली क्वेश्चन है कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए और बी। अब ए डिवाइडेड बी बराबर -6, यहाँ जैसे 6 -2 का -6। इस ढंग से आपको लिखना है, यहाँ पर तुम लिख दिया 9, यहाँ पर -3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 12 तो -4 लिखना पड़ेगा, 15 का -5 लिखना है। इसी ढंग से द टेम्परेचर 12 नून में है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब डिक्रीज करके 2 हो गया मिड नाइट में, तो 10 में से 2 चला गया तो 8 हो गया। यह बात तुमको उस बात समझना है। इसी ढंग से अगला क्वेश्चन नंबर 6, इन ए क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स
यानी 3 मार्क्स आता है सही करने पर और 2 मार्क्स आता है गलत करने पर, और नो अटेम्प्ट किए तो 0 मार्क्स। अब राधिका 20 मार्क्स लाती है, 12 को करेक्ट, और पूछ रहा है कितना इनकरेक्ट। यहाँ 12 दिया 36 और लाना है 20 मार्क्स, तो 36 में से 20 गया तो 16, यानी 8 क्वेश्चन इसको करना होगा गलत। यह बात समझ में आया? इसी ढंग से मोहनी स्कोर -5 मार्क्स और 7 करेक्ट किया, 21 नंबर, -5 आ लाना है तो 26, यानी 13 को गलती कर। तो यहां पर पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन इज द अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यह बात की क्लियर है कि 13 को इनकरेक्ट कर। ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल को आप देख रहे हैं, 7 नंबर कह रहा है एंड कैलकुलेटर डिपेंड मिनट शिफ्टिंग 6 मिनट पर 6 मीटर, द स्टार्टेड 10 मीटर, अब 350 उसको जाना है, प्रत्येक बार में 6 मीटर घट रहा है, यहाँ 10 अगला 6 घटेगा 4, अगला 6 घटेगा -2, अगला 6 घटेगा -1, ऐसे करते हुए 350। अब व्हाट है डी डिस्कस, ये आपने क्या किया इसके बारे में? तो पहले तो हम लोग 6th क्लास का रिवीजन कराया, फिर इंटीजर्स के बारे में, एडिशन सबट्रैक्शन, फिर उसकी प्रॉपर्टी, ये सारा चीज किया। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, बने रहेंगे तो अच्छी बात है कि आप बने रहेंगे, और हम लोग 7th क्लास का अभी कंप्लीट।